पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बोले संत भगवान की, बोले श्री कल की धाम की। अरे अगर मैं हट गया तो सारा काम खराब हो और अब मैं चाहता हूं कि आचार्य जी दो शब्द हम लोग को सुनाएं। परसों के बाद आपकी आपकी वाणी और ये दुनिया का पहला ऐसा धाम है। जितने तुम दुनिया में धाम देखे हो, देखते हो, देखोगे, वो सब तब स्थापित हुए जब भगवान आया। आने के बाद श्री कल्कि धाम पहला ऐसा धाम है जो स्थापित हुआ है अवतार के आने से पहले। इसलिए मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं कि आप कोई भी हो, आप दुकानदार हैं, आप ठेला पटरी लगाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप सर्विसमैन हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन एक बार उस धरती पर माथा टिकाने जरूर आइए जहां भगवान आएगा। सब आइए। और मैं अक्सर अपने सत्संगों में कहा करता हूं कि सतयुग में नरसिंह है, या स्वीट की अनुमति चाहता हूं। और थोड़ा थोड़ा मेरा साथ देंगे, हल्के रिदम। और आप सबसे भी चाहता हूं कि ये जो संध्या है, मुझे लगता है समापन की बेला है, ये यादगार बन जाए। और बहुत दिनों बाद मैं सत्संग के मूड में आया। आप अगर YouTube पे डालेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम भजन तो 10,000 से ज्यादा भजन मिलेंगे। लेकिन राजनीतिक और राष्ट्र की तमाम राजनीतिक परिस्थितियों ने मैं एक अच्छे आदमी को पता नहीं कहां धकेल दिया। पर कोई बात नहीं, जो होता है परमात्मा की इच्छा से होता है। सभी से अनुरोध करना चाहता हूं, आपके भाव को देख के मेरा भाव बन गया कि मेरा साथ देंगे। दर्पण तुम्हारे आए हैं, दर्पण तुम्हारे आए हैं, दिल में मुराद लाए हैं, दर्पण तुम्हारे बगलामुखी के घर की बात हो रही है और इस व्यासपीठ की बात हो रही है।
जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं अगर ये आपस में गड़बड़ करेंगे तो मैं फिर चुप हो जाऊंगा कि दर्पण क्योंकि इन लम्हों को कैद कर लो अपनी आंखों में बसा लो दिल में तब सत्संग में उतरोगे कि दर्पण तुम्हारे Oh,
सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।